हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मार्च का सैलरी के बारे में। जीडीएस का मार्च का सैलरी है, यानी कि जीडीएस में कौन ए बी पी एम मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, बी पी एम ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, जिसको मेल कैरियर भी बोलते हैं, तो इन लोग का सैलरी कितना मिला है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका आपको पता ही है कि बेसिक सैलरी सबका बी पी एम का 12,000 है, ए बी पी एम डाक सेवक का 10,000 है। और खबर में यह भी आ रहा था कि 4% डीए बढ़ा है, तो 4% डीए जनवरी से लेकर मार्च तक एरियर उसको दिया जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च एरियर दिया जाएगा। डीए जो है डियरनेस अलाउंस सैलरी में क्रेडिट होके अप्रैल महीना में आएगा, और जनवरी फरवरी मार्च का एरियर भी जोड़ के दिया जाएगा। तो फिलहाल मार्च का जो सैलरी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा। देखिए, पहला है बीपीएम। बीपीएम का बेसिक सैलरी 12,000 है, और उसका जो है डीए 38% था, तो डीए निकल के आ रहा 4,560 रुपया, और 500 रुपया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप लोग नया ज्वाइन करेंगे तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस तुरंत नहीं करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक लेटर लिखना होता है कि आपका ऑफिस स्टैंडर्ड है और आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 से 500 रुपया करना है। तो ये जो भी है वो 500 रुपया करा लिया तो ये फ़ायदे में है। हम बहुत दिन तक अंधेरे में थे, 250% ही ऑफिस मेंटेनेंस ले रहे थे, बाद में हम खुद इंक्रीमेंट करवाए। मुझे मालूम नहीं था, उतना मुझे गाइडेंस करने वाला नहीं था, लेकिन आप लोग को गाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसका एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस स्कीम जो है उसमें 50% कटा, और सर्किल वेलफेयर फंड जो है, जो कि सर्किल आपका जो सर्किल जैसे वेस्ट बंगाल सर्किल है, बिहार सर्किल है, तो वो सब में सर्किल वेलफेयर फंड के लिए जो है 240% इसका काटा गया, सबका कटा है। ठीक है, और 130 रुपया टैक्स कटा है, तो टोटल सब इसका जोड़ करके 16,640 रुपया बना। ठीक है, ये अभी मार्च का सैलरी है। ठीक है, मार्च का, ये नया नया ज्वाइन होगा तो मार्च का सैलरी इसका बन गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे डाक सेवक का 10,000 बेसिक सैलरी होता है और उसका 38% डीए, तो यहाँ पे देखिए 3800 रुपया डीए है और फिक्स स्टेशनरी चार्ज है 25 रुपया है, तो सब जोड़ जाड़ के इसको हो रहा है 13,825। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और इसका भी EDGIS जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है, 50% कटा, और सर्किल वेलफेयर फंड के लिए GDS का जो है 240% कटा, और इसका भी 110% टैक्स कटा। तो टोटल जोड़ करके इसको मिल रहा है कितना, जोड़ घटा करके 13,425 रुपया इसका सैलरी बना है। ठीक है, यह मार्च महीना का। उसके बाद और कौन है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको MD भी बोलते हैं, ABPM, उसका देखिए, ये जो है लगभग 12-13 दिन काम किया। ठीक है, ये लोग न्यू ज्वाइन किया हुआ होगा, क्योंकि लेट से जो आता है, मतलब नया जो मेरिट लिस्ट निकलते रहता है, तो ये लोग नया लेट से ज्वाइन किया, इसी वजह से इसका 4,838 रुपया है। ठीक है, क्योंकि ये 12-13 दिन लगभग काम किया है, और 1839% इसका डियरनेस अलाउंस है, स्टेशनरी चार्ज 12 रुपया इसको दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 25% देता है, 12 रुपया यहाँ पर दे दिया, और 50% और 240% सेम काटा, और 45% इसमें टैक्स काटा, क्योंकि 12-13 दिन का ही इसका सैलरी है। तो टोटल जोड़ के 6,355% इसका बना। और उसके बाद देखिए, ये BPM है, ये भी 12-13 दिन काम किया, इसका 5,032 रुपया बेसिक सैलरी इसको दिया गया, 1,912% डियरनेस अलाउंस दिया गया, और 105 रुपया इसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया, क्योंकि 12-13 दिन ही काम किया और इसको सैलरी दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि आप इसीलिए आप लोग को बोलते हैं पैन कार्ड आप लोग बना कर रखिए। ठीक है, ये लोग का देखिए पैन कार्ड बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको ब्लर कर दिए हैं। इसका भी EDGIS में 50%, सर्किल वेलफेयर फंड में 240%, और 50% इसको टैक्स देना पड़ा। तो टोटल जोड़ के 6,709 रुपया मिला, क्योंकि ये 12-13 दिन ही काम किया, महीना भर काम नहीं किया। और उसके बाद इधर देख लीजिए, ABPM है, जो कि नया मतलब मार्च का जो है, नए बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 10,000 ही सैलरी है, 10,000 बेसिक सैलरी इसका है, 3800 रुपया इसका डियरनेस अलाउंस है, 25% स्टेशनरी चार्ज है, तो टोटल जोड़ के 13,825% बन रहा है, और 50% EDGIS और सर्किल वेलफेयर फंड GDS का जो है 240% और 110% टैक्स, टोटल जोड़ करके 13,425% बन रहा है। यानी डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक और ABPM का दोनों का सैलरी सेम रहता है, उसमें बता दिए थे।
और देखिए सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ हम बता दिए हैं, एक एक वीडियो डाले हैं उसमें हम पूरा कैलकुलेट करके दिखाएँ, बताएँ, समझाएँ, वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। यही चीज़ है, आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइवेट बात करने के लिए, ठीक है। और भी दूसरा चैनल है तो मेरा लाइफस्टाइल देखने के लिए आप मेरा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.